नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सरस आपको बताने वाला हूं आज शिरोधारा थेरेपी के बारे में। प्रायः अपने यहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर नेचुरोपैथ की चिकित्सा बहुत ही कम लोग देते हैं, जिसका कारण सिर्फ ये है कि हम बहुत अच्छे से प्रकृति से लगाव नहीं रख पा रहे हैं। अभी दक्षिण भारत के साथ साथ आपका जितने भी विदेशी लोग हैं ये इस चिकित्सा के विषय में बहुत ही अच्छे से जानते भी हैं और इसका उपयोग भी करते हैं, क्योंकि प्रायः हम लोग अंग्रेज़ी दवाओं को खा खा कर अपने शरीर को विषक्त बना लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज़ी दवाएं भी असर करना बंद कर देती हैं और रोग की अवस्था जीर्ण होकर इतनी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि उसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता है। अंततोगत्तो हम प्रकृति के शरण में आते हैं। नेचुरोपैथ चिकित्सा के अंतर्गत शिरोधारा थेरेपी में जल और तेल के द्वारा शिरोधारा दी जाती है। तेल की शिरोधारा थोड़ा महंगी प्रक्रिया भी पड़ती है और जटिल प्रक्रिया होती है, परंतु उसके विकल्प के रूप में हम जल से शिरोधारा दे सकते हैं। पानी की शिरोधारा देने में हम मटकी में पानी का प्रयोग करते हैं, जो कि शीतल पानी होता है, और सर पर उसकी धारा को छोड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम शिरोधारा रहता है। अब ये किन परिस्थितियों में करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं, तो सर की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो सर दर्द हो, बालों का झड़ना हो, अनिद्रा हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, नींद कम आना अथवा नींद अधिक आना, दोनों में कारगर रहता है। मस्तिष्क क्या सुन्न अवस्था या तनाव के कारण गर्मी उत्पन्न होना और बकने और बड़बड़ाने लगना, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, जरा सी कोई बात होती वो चिल्लाने, बोलने, बकने, रोने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में भी मस्तिष्क को शांत करने के लिए शिरोधारा थेरेपी बहुत ही कारगर थेरेपी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिरोधारा थेरेपी के माध्यम से हम अपने आप को निरोग कर सकते हैं, सर के समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं। तो उचित यही है कि हम प्रकृति की ओर जाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी दवा का उपयोग ना करना पड़े। दवा को ना खाकर अगर हम शरीर को ठीक कर सकते हैं तो ये संसार की सबसे अच्छी उपचार की पद्धति होती है। तो इसलिए इस उपचार की पद्धति को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के सानिध्य में रहें। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार देते हुए और लोगों को पहुँचाइएगा, क्योंकि जब हम प्रकृति के बारे में जानेंगे तभी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ सकते हैं। तो साथियों, एक कदम प्रकृति की ओर चलते हैं और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाते हैं और शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।